नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। रघुवंशी समाज द्वारा भव्य श्री राम जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के मरी माता स्थित रघुवंशी कॉलोनी में श्री राम मंदिर पर दिनांक 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक रघुवंशी समाज द्वारा श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें श्री राम कथा भी आयोजित की गई है। आज श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया, जहां एक नन्हे बच्चों को श्री राम जी के रूप में सजाया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में नजर आए। वहीं रामनवमी पर पूरे विधि विधान से पूर्ण आहुति और श्री राम रथ यात्रा और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भगवान श्री राम और तत्कालीन व्यवस्था में अभी राम जी का मंदिर निर्माण हुआ, वहाँ भी रामलला विराजमान हुए हैं और आज रामलला का यहाँ भी प्रारंभ हुआ है। भगवान राघवेंद्र सरकार से यही प्रार्थना है कि जन जन के हृदय तक, प्रत्येक सनातनी के हृदय तक भगवान राम जी का पात्र है। केवल रामलला अयोध्या तक सीमित न रहे, हर व्यक्ति के हृदय तक, हृदय में विराजमान, हृदय में जब राम जी विराजमान हो जाएंगे तो धर्म की स्थापना, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से तो कोई बचा नहीं सकता। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होगा ही, होकर ही रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राम जी की कृपा है और मैं सभी देशवासियों को रामनवमी भगवान जयंती की बधाई देते हुए राम जन्म महोत्सव, सभी लोग अपने घर में 5 दिए संध्या के समय, सुबह तो जहाँ नगर का जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर के राम महोत्सव मनाएं, जो जहाँ है वहाँ, और संध्या के समय 5 दिए राम जन्मोत्सव पर हर घर में जलना चाहिए। जो नव तुलसी का वृंद कहाँ, यहाँ तुलसी और दीपक का बड़ा महत्व है। बिना तुलसी और बिना दिए के हम कोई पूजा स्टार्ट नहीं करते, तो दीपक हर घर में रामनवमी के दिन जलाएँ और रामनवमी को राम दिवाली के नाम से मनाएं, यही संदेश देना चाहिए। प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है नवरात्रि के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में रघुवंशी कॉलोनी राम मंदिर पर राम कथा का आयोजन होता है। नववर्ष की और नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है और राम कथा का करने का प्रयोजन यही होता है कि समाज में सनातन की प्रक्रिया बनी रहे और समाज सनातन से जुड़ा रहे, समाज में किसी प्रकार की कोई असभ्यता और कुरीति का नहीं जो है होने पाए। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में भी अयोध्या में हमारे यहाँ इस वर्ष राम भगवान का भी स्थापना हुई है, तो हम लोग भी एक सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए और हिंदू हैं, तो हम भगवान की कथा का रामनवमी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करते हैं। सभी लोगों का इसमें सहयोग लेता है, सभी भाई विप्र बंधु समाज, विशेष करके रघुवंशी समाज का ये मंदिर है और ये ट्रस्ट के द्वारा ये राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रामनवमी पे विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है जो प्रतिवर्ष होता है। आज कथा का आज कथा का चौथा दिन है और चतुर्थ दिवस में आज भगवान के अवतार का प्रसंग, भगवान के जन्म के कारण, भगवान का जन्म किन किन कारणों से हुआ, क्यों हुआ, ये कारण की व्याख्या की गई है। प्रथम में भानु प्रताप, रावण कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, इस प्रकार के भगवान के द्वारा जो अवतार लिया गया है, तो आज राम जन्म का प्रसंग या राम मंदिर पर है, तो उत्सव को ये मनाया जा रहा है। ये पंडित मनोज भार्गव के द्वारा राम कथा का वाचन किया जा रहा है। मैं पंडित गोपाल कृष्ण भार्गव, इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।